कोरोना वायरस के चलते हम सभी को अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से गाइडलाइंस को फॉलो करना है। इसमें कहीं पर भी ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि भीड़ इकट्ठा हो, सार्वजनिक या सामूहिक रूप से कोई कार्यक्रम न किया जाए। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हैंड सैनिटाइजर या साबुन का उपयोग लगातार करते रहें और मास्क सभी लोग जरूर पहनें। इसी कोरोना के दृष्टिगत और आगामी मुहर्रम के दृष्टिगत मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें इन्हीं सब गाइडलाइंस के बारे में सबको अवगत कराया गया। इसमें जितने भी हमारे शहर के सम्मानित व्यक्ति आए थे, उन्होंने भी गाइडलाइंस को पूर्ण रूप से पालन करने की बात कही। मुरादाबाद के वासियों द्वारा बहुत अच्छा सहयोग किया जा रहा है, इसी के कारण हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में संक्रमण काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में सफल रहे हैं और लगातार लोगों ने भी बताया कि हम लोग सरकार के द्वारा गाइडलाइंस और अपनी सुरक्षा के लिए जो हमें एहतियात बरतनी है उसको पूर्ण रूप से पालन करेंगे। मीटिंग में सभी जो सम्मानित व्यक्ति मौजूद थे, सभी ने कहा कि हम लोग इस गाइडलाइन का फॉलो करते हुए कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे भीड़ इकट्ठा हो। कोई भी जुलूस या ताजिए निकालने से सभी ने मनाही करी ताकि हम लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा कर सकें। सर, मुरादाबाद में 2 रजिस्ट्रेड जुलूस हैं, आज 1 7 तारीख का, 1 10 तारीख का। क्या इन रजिस्ट्रेड जुलूसों में 4 लोग या 3 लोग की कुछ परमिशन है या नहीं? सर, कोई भी किसी भी प्रकार की सार्वजनिक या सामूहिक रूप से किसी भी कार्यक्रम की कोई अनुमति नहीं है। सभी लोगों के लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा करें। ये जो वायरस है भीड़भाड़ एरिया में एक दूसरे के संपर्क आने में से फैलता है। इस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, कोई इसका निराकरण नहीं है। एक ही जो हम उपाय कर सकते हैं वो है प्रिवेंशन, और प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है हम गाइडलाइंस को फॉलो करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर साबुन का प्रयोग करते रहें लगातार और 2 गज की दूरी।